क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? आज भाई आपके लिए फिर से एक रिव्यू लेके आया, मेरे साथ है असद भाई। क्या हाल चाल है? ठीक है असद भाई? बड़ी इज्जत दे रहे हैं आप मुझे आज। वेल गाइस, आज आपके लिए एक रिव्यू लेके आया, वो है RX-8 का, जो कि 2005 टाइप एस है। और ये कौन सा एडिशन था? स्पेशल एडिशन है ये, बेसिकली है टाइप एस 2005 है। आए आप लोग गाड़ी भी दिखाएं साथ साथ। ये असद भाई की गाड़ी है। असद भाई, गाड़ी के बारे में थोड़ा सा इंफो देते हैं लोगों को, ताकि उन्हें पता लगे। जी बेसिकली RX-8 में कई कैटेगरीज आई थी, ठीक है। तो दिस इज़ द हार्ड कोर ट्रैक एडिशन, जो आपकी ट्रैक के लिए बनी थी। इसको कहा जाता है टाइप एस। टाइप एस बिल्कुल, ठीक है। टाइप एस में दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन, जिसकी सनरूफ है, जिस पर बॉडी किट कस्टम हुई हुई है। स्टिकर्स आप देख सकते हैं कि इस पर काफ़ी स्टिकरिंग भी हमने की है। लाइब्रेरी का काम हुआ हुआ है, ठीक है। लाइट वेट अलॉय रिम्स इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी गाड़ी की एस्थेटिक्स ये हैं कि मैंने इसको अपनी चॉइस का पेंट करा। असद भाई ने तो काफ़ी बता दिया, भाई साथ साथ सिमेटिक्स ले रहे थे, वो मैंने ऑलरेडी मैं ले चुका हुआ हूँ। वेल गाइस, आपने देखा है कि असद भाई ने 18 इंच के रेंज है। 18। अच्छा, फ्रंट पे आ जाओ, मेरा फ्रंट पे आप लोग इसकी बॉडी किट दिखा दें, वो क्योंकि आप लोगों ने मेरी सिमेटिक्स में देख ली होगी। ये आफ्टर मार्केट बॉडी किट इंस्टॉल करवाई है असद भाई ने। असद भाई आ जाएँ, आ जाएँ यार, आप मेरे साथ खड़े रहा करें। जी जी, ठीक है। और ये आप देख लें, ये एयर क्रॉसिंग के लिए ये हुड इन्होंने हुड डिज़ाइन किया है। जी जी, उसके अलावा ये हेडलाइट्स के ऊपर ये लिप्स आईलेट्स लगाई हैं दोनों साइड के ऊपर, ठीक है। वाइट कलर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। इसके रोलिंग शॉट्स भाई डालेगा आपका, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा। असद भाई, ये 10K का क्या सीन है, ज़रा बता दें। मैं खुद परेशान हूँ, समझ नहीं आ रही मुझे ये क्या सीन है 10K का। बेसिकली जो इसमें रोटरी इंजन है, उसकी कैपेसिटी है रेड लाइन 10K RPM तक रेव करती है। ये रेव जो है 10,000 RPM तक करती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए असद भाई ने डिज़ाइन किया खुद, क्योंकि ये खुद मार्शल आर्किटेक्ट हैं, तो 3D डिज़ाइन बनाते हैं। तो उन्होंने डिज़ाइन किया और इसको फिर इन लोगों ने क्या नाम है स्टिकर बनवा के कंप्यूटर जनरेटेड स्टिकर्स और वो सारा कुछ। माशाल्लाह बड़ी आपने आ रही। थैंक यू साला आपने आइडिया। चले आप लोग साइड प्रोफाइल दिखाएं गाड़ी की। पहले इंटीरियर दिखा दें, आए आप लोग इंटीरियर गाड़ी का दिखाएं। गाइस, टाइप एस में 2-टोन इंटीरियर आता है और ये रेड और ब्लैक में है। ये पहले ऑप्शंस आती थी कि जब आप RX-8 ऑर्डर करवाते थे और टाइप एस में ऑप्शंस आती थी कि यार आपको इंटीरियर कैसा चाहिए, तो असद भाई ने रेड और ब्लैक पसंद किया। इसमें सनरूफ भी है, आप देख सकते हैं बाकी RX-8 पीछे भी खड़ी हैं, उनमें सनरूफ नहीं है क्योंकि वो सिंपल टाइप ई है। ये माशाल्लाह हमारी टाइप एस है यार। और 1300 cc है, ठीक है। अनलिमिटेड, ये काफ़ी लिमिटेड एडिशन है। आप इन्हें इंटीरियर अंदर से दिखाएं, मैं साइड से आता हूँ, आप यहाँ से दिखाएं। गाइस, ये रहा इंटीरियर और ये हूँ मैं, ठीक हो गया। आप ये देख सकते हैं 2-टोन इंटीरियर है लेदर में, और माशाल्लाह यार साफ सुथरा इंटीरियर है। 2005 के लिहाज से माशाल्लाह बहुत कमाल है, बहुत कमाल। इसमें रिट्रैक्टेबल, इसके ऊपर LCD लगी हुई है, वो देखें, ठीक है। मैनुअल गाड़ी है, 6-speed। इंटीरियर आप लोगों ने देख लिया, अभी मैं इसके शॉर्ट्स भी ले लेता हूँ, वो डाल लेंगे जी। असद भाई ज़रा बैक साइड पे आ जाएं, क्योंकि आपने ये जो काम किया है ना, ये वाला जी जी, ये ज़रा व्यूअर्स को बताएं जी, ये कौन सा स्पॉइलर है? ये बेसिकली माजदा स्पीड एक डिवीजन है, बिल्कुल, जिन्होंने ये स्पॉइलर डेवलप किया है टू ऐड मोर डाउन फोर्स। जब गाड़ी के लिए ये यूज़ होता है, जब गाड़ी तेज़ भागती है तो ये हवा इसको पीछे से नीचे रखती है। और पीछे इसकी हेडलाइट्स का ज़रा बताइएगा। अभी जी ये कस्टम हेडलाइट्स हैं, इसमें हमने कार्बन फाइबर और स्मोक की है। हाँ, स्मोक पेपर लगाया है बिल्कुल। वाइट के साथ ना ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कंट्रास्ट दे रहा है। एग्जॉस्ट मैंने इस पर काफ़ी, क्योंकि मुझे रोटरी के पेंट्स पसंद हैं, तो मैंने एग्जॉस्ट पे कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी। 2 लाख का HKS एग्जॉस्ट है ये। 2 लाख रुपए का HKS का ओरिजिनल एग्जॉस्ट असद भाई ने इंस्टॉल करवाया है। आई मीन के लोग यार आई थिंक सो इतना खर्चा नहीं करते गाड़ियों पे, जी, लेकिन क्योंकि इन्हें शौक है, ठीक है, एक इनका पैशन है,
और माशाल्लाह ये हमारे ग्रुप में जो है हमारे टॉप के जो है ना ग्रुप में मेंबर हैं, प्यार है इनका जाजे भाई, ठीक है। लिटरली हम लोग हर हफ्ते मिलते हैं जी, और आप लोगों को पता है मेरी भी RX-8 है, तो इनकी भी RX-8 मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट RX-8। इसका रिव्यू आपने करना है, मैं करूंगा ठीक है, वो ये मेरा रिव्यू कर रहे हैं, मैं इनका रिव्यू, और मुझे कब देंगे जो कैमरा मैन है ना हमारे, आपको भी हम सामने ले, ये रजा हाशमी साहब है, इनका यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है आपका यूट्यूब, व्लॉग्स बाय रजा हाशमी, व्लॉग्स बाय रजा हाशमी, लाइक करें सब्सक्राइब करें, ठीक हो गया गाइस। वेल लास्ट चीज बस मैं ऐड करूंगा कि अभी रिसेंटली मैंने ये 2 लाख रुपए के टायर्स लगवाए हैं जस्ट फॉर ग्रिप मिशेलिन पायलट स्पोर्ट 4। ये टायर, वन टायर इज अबाउट 50,000 रुपीज, ये इसका है पायलट स्पोर्ट 4 ट्रैक टायर। यार ये 50,000 रुपए का एक टायर है, यस। अच्छा वैसे आपने असद भाई हर चीज 2 लाख रुपए से शुरू होती है आपकी अच्छा आप लोग देखते हैं यार टायर्स, देखें ये शॉप का ना कोई मूल नहीं होता, ठीक है। इन लोगों ने ये रिम लगाए हैं, उसके साथ इन लोगों ने फेंडर जो है रोल करवाए थे, रोल करवाए हैं, ये इतने बाहर नहीं होते, ठीक है, ये रोल किए हुए, इसलिए वो जरा आपको एग्रेसिव लुक दे रहा है वाइट बॉडी के साथ। और वजन बचाने के लिए मैंने वजन भी इसका कम किया है, ये जरा आके दिखाएं, अलॉयज फोल्ड है, फोर्ज्ड अलॉयज यानी कि लाइट वेट, और उसमें भी लाइट वेट बोल्ट लगाए हैं ताकि गाड़ी का वजन कम हो जाए। अच्छा भाई यार आप इधर टेक्निकल कब से हो गए मुझे बताए, इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है हम भूल गए, अच्छा पढ़ी आपने इंजीनियरिंग हुई है, करते डिजाइनिंग है यार, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, अच्छा 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 अच्छा, तो ये स्ट्राइप्स का क्या सीन था, थोड़ी एग्रेसिव लुक देने, एग्रेसिव लुक देने के लिए ये भी हुड डिजाइन किए इन्होंने, ठीक है, ये कोई नेट वगैरह से नहीं निकाला, ये मैंने खुद अपना यूज करा, अब तो टांगे दर्द कर रही थी नीचे बैठ बैठ के, ये सारी गलत कारी मेरे की है आज करा, इस साइड से भी दिखा दें जी जी, ये व्यू बहुत प्यारा है फाउंटेन्स के साथ, ये वॉइस कैमरा मैंने पकड़ लिया, ये कैमरा मैन थे हमारे, ठीक है, इनको सब्सक्राइब करिएगा, और ये साइड प्रोफाइल आपको दिखाएं, यहाँ भी 8 लिखा हुआ है असद भाई ने, क्योंकि RX-8 है डेफिनेटली, तो सा इंटीरियर उस साइड से दिखा दिया था, इस साइड से मैं दिखाता हूँ, देखें लेदर में 2-टोन इंटीरियर है, अच्छा स्टीयरिंग व्हील पर भी वैसे ही है जैसे मेरी गाड़ी पे ना ब्लैक था जी जी जी, इसमें ये कई ऑप्शंस आती हैं, ब्लैक लेदर, रेड, तो ये जिसने जापान में ली थी उसने रेड इंटीरियर, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है बॉयज, इंटीरियर है ये, इंजन दिखाते हैं, इंजन अब हम दिखाएंगे, इंजन ठीक हो गया, मेन चीज दिखाएंगे जी, आप ठंड लगना शुरू हो गई, पानी के पास खड़े हैं ना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बॉयज इंजन है 1300, ठीक है, रोटरी स्वैप नहीं किया कभी, आप गाड़ी अंदर से देख सकते हैं जेन्युइन, ये देखिए छोटी मोटी डिटेलिंग दी हुई है असद भाई ने, ये रेड पेंट करवाया हुआ है, यूजली ये सिल्वर होता है, ठीक है, उसके साथ असल भी जरा आके बताएं आप जी, मुझे जी, सर ये देखें ये है जी रोटरी इंजन, बस ये पीछे ले जाएं, ये इसका कवर है बेसिकली, सब कुछ इसके नीचे छुपा होता है, ये इसका रोटरी इंजन है गाइस, ये है रोटरी, समझ रहे हैं आप लोग जी रोटरी मतलब मैं सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा हूँ इसलिए मैं हंस नहीं रह रहा, वीडियो बन रही है सिनेमैटिक कब के ले ली तो ये रोटरी और माशाल्लाह बहुत साफ सुथरा आपने रखा हुआ है, थैंक यू, ठीक है, आप काफी गाड़ी का हुड खोलो तो यार अंदर क्या तैयारी क्या चीज है, ये आप समझे कि खुद करते हैं माशाल्लाह कमाल। तो वेल गाइस ये था आज का रिव्यू आप लोगों के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बस इंशाल्लाह मिलते हैं, आप बेल का आइकन को भी टर्न ऑन कर लें जो मर्जी करें, ज्यादा से नीचे टांगों पे नहीं, ठीक हो गया गाइस